नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2020 के आयोजन का महीना पता चल गया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन कब होगा, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो यही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। वहीं आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, भारत में खेली जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल 2020 को लेकर कुछ दिनों से अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर अब संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। कल सौरभ गांगुली ने भी आईपीएल पर सकारात्मक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने सभी राज्य क्रिकेट संघ को पत्र लिखकर ये कहा था कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई पूरी तरह से कमिटेड है, इसका आयोजन होकर रहेगा, चाहे इसे खाली स्टेडियम में ही क्यों ना करवाना पड़े। अब इसी को लेकर आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने भी बड़ा बयान दिया है। ब्रिजेश पटेल ने बताया है कि बीसीसीआई आईपीएल 2020 के आयोजन को सितंबर और अक्टूबर में शुरू करने पर सकारात्मक चर्चा कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आईसीसी द्वारा टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन के फैसले के बाद ही लिया जा सकेगा। दोस्तों, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आईपीएल 2020 का आयोजन अगर होगा तो सितंबर और अक्टूबर के बीच ही होगा, लेकिन इसके लिए टी20 वर्ल्ड कप का कैंसिल होना जरूरी है। अगर आईसीसी जुलाई में होने वाली मीटिंग में टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर देता है तो इस स्थिति में आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई फाइनल डिसीजन ले लेगा। दोस्तों, ब्रिजेश पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अगर किसी कारणवश आईपीएल 2020 का आयोजन भारत में नहीं हो पाया तो इसे विदेश में भी आयोजित किया जा सकता है। ब्रिजेश पटेल ने बताया कि आईपीएल 2020 को लेकर यूएई क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। विदेश में आईपीएल के आयोजन पर खिलाड़ियों को क्वारंटाइन और खिलाड़ियों की वापसी पर भी क्वारंटाइन करना होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। पटेल ने कहा है कि कोई भी फैसला सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद लिया जाएगा। आईपीएल अगर सितंबर में शुरू होगा तो मॉनसून भी चर्चा की बात होगी, अगर आईपीएल होगा तो खाली स्टेडियम में होगा, इसलिए कुछ ही स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने क्लियर किया है कि अक्टूबर तक वायरस को लेकर क्या स्थिति होगी यह कोई नहीं जानता, तो इस पर कुछ भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता है। वहीं दोस्तों, बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल जी ने भी ये कहा है कि आईपीएल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कई लोगों के रोजगार का एक जरिया भी है। अगर आईपीएल होता है तो ऐसी स्थिति में लोगों का मूड बदलेगा, इसलिए कोविड-19 के इस हालात में आईपीएल 2020 का अगर आयोजन होता है तो फिर यहाँ पर लोगों का मूड भी बदलेगा, लोग थोड़े से खुल जाएंगे, क्योंकि इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बीच आईपीएल खेला गया तो इससे लोगों का मूड भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अरुण धूमल जी भी यही चाहते हैं कि आईपीएल 2020 का आयोजन जरूर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों के मुताबिक तो यही चर्चा हो रही है कि आईपीएल का आयोजन सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने वाला है, लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को अगर रद्द कर देती है तो ही। तो ये थी हमारी अपडेट आईपीएल को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।